नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चौहान फर्नीचर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम LNGs कैसे लगाते हैं। बहुत सारे कारपेंटर भाई होंगे जिनको पता नहीं होगा कि LNGs कहते किसको हैं और लगाते कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ LNGs कैसे लगाते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो LNGs किसको कहते हैं और उसको कैसे लगाते हैं, उसमें साइज़ कैसे हम जान सकते हैं, उसका 12 mm है, 6 mm है, 18 mm है, उसको कैसे बिठाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जो है हम LNGs बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, बना एक बार खोल के दिखाता हूँ इसको। ये जो है ये LNGs है, ये ब्रास का है, प्योर ब्रास का इंजिस है। और यहाँ से हम इसका साइज़ पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये 12 mm का इंजिस है, ये 12 mm का, ये जो थिकनेस दिख रहा है अपना, इसको हम 12 mm का इंजिस बोलते हैं। और इसको मतलब दीवार के साइड में लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका 1.25 inch का दरवाज़ा 1.25 inch नहीं चढ़ाना है, वहाँ पे आप 2 तोड़े का गैप देने के लिए लगा सकते हैं। तो इसको आइए हम दिखाते हैं कैसे बांधते हैं, और आपको दरवाज़ा लगा के भी हमको दिखाएंगे कितना इजी चलता है। तो मित्रों, अभी ये तीन प्रकार का इंजिस है, इंजिस जो है वो तीन प्रकार का ही आता है, इससे अभी दूसरा वाला इंजिस नहीं आएगा। इसमें आप देखिए, ये जो ये है ना, इसको हम 6 mm का इंजिस बोलते हैं, इसको 6 mm का इंजिस बोलते हैं, और ये इसको 18 mm का इंजिस बोलेंगे। ये मतलब पूरा प्लाईवुड जो है वो ढक जाएगा, सामने का धार जो है वो ढक जाएगा, और ये जो है ये 12 mm का इंजिस बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसमें इससे आप जो है एक ही प्लाई पे दो इंजिस लगा सकते हैं, दो दरवाजा लगा सकते हैं, और बीच में दो दोरी का ग्रुप भी रहेगा, यानी कि दो दोरी है, दो दोरी का दूसरा वाला इंजिस और बीच में दो दोरी का ग्रुप रहेगा, यानी कि टोटल ये 18 mm कवर कर लेगा, दो दोरी का आपका उसमें गैप भी रहेगा, जहाँ इंजिस दरवाजा खुलते वक्त जो बीच में गैप रहेगा वो रहता है। तो अभी इसको हम लगाएंगे कैसे, थोड़ा सा यहाँ से हम गैप छोड़ देंगे और इसका एक मार्किंग करेंगे ऐसा, यानी कि दोनों साइड में हम थोड़ा थोड़ा ऐसा मार्किंग कर लेंगे। और मैं अभी आपको डायरेक्ट कटर मशीन से काट के दिखा देता हूँ। अगर मित्रों, अगर आपका 4 दरवाजा हो या 6 दरवाजा हो, 8 दरवाजा हो, अगर दरवाजा सेम साइज का है, लंबाई में चलता है, लंबाई में कितना भी बड़ा लगने दीजिए, अगर हाइट में सेम है तो आप कटर मशीन से काट सकते हैं। अगर दरवाजे का हाइट कम ज्यादा है तो आप कटर मशीन से नहीं काट पाएंगे। वो आप समझ रहे होंगे कि ये दरवाजा अगर बड़ा हो गया तो कटर मशीन नहीं चला सकते। अगर 4 दरवाजा है और अगर हाइट सेम है तो आप दरवाजा आराम से कटर मशीन से काट सकते हैं। मित्रों, क्या करेंगे, इंजिस तो हमने खास मार दिया है, अभी हम इसको बांध के दिखाएंगे। और सबसे पहले मित्रों, आप क्या करिए, इंजिस में फेविकोल जरूर लगाइए, क्योंकि फेविकोल लगाने से जो होता है, क्या होता है, स्क्रू इसमें बहुत कम पकड़ता है, फेविकोल में बहुत ज़्यादा वो चिपक के पकड़ के रखता है उसको। तो आप क्या करिए, फेविकोल जरूर लगाइए, जरूर से लगाइए। अभी ये इंजिस मतलब फेविकोल क्यों लगाया हमने, क्योंकि अभी इसको खोलना नहीं है, अभी एकदम फाइनल है, एकदम ये फाइनल है, अभी इसको बिल्कुल नहीं खोलना है। अभी आप डब्ल्यू इंजिस लगाएंगे या बॉक्स इंजिस लगाएंगे, उसको आपको खोलना पड़ जाएगा, उसको निकालना पड़ जाता है सनमाइका लगाने के लिए, और इसमें आपको खोलना नहीं पड़ेगा, ये पूरा फाइनल है। अभी इसके इस ये लगा हुआ रहेगा तभी भी आप सनमाइका लगा सकते हैं दोनों साइड से। कभी भी अगर आपको ऐसा LNGs लगाना है तो आप होल मार के ही टाइट करिए, क्योंकि डायरेक्ट भी टाइट हो जाएगा, लेकिन अगर आप होल मार के टाइट करेंगे तो प्लाई जो है फटता नहीं है, और अगर डायरेक्ट हॉक करेंगे तो प्लाई फट जाएगा। तो इसके लिए कभी भी होल मार के ही उसके बाद ही टाइट करिए। तो हमने एक लगा दिया है और 3 लगाएंगे, फिर आपको दरवाज़ा जो है वहाँ पे लगा के हम आपको दिखाएंगे। तो मित्रों, अभी आप देखिए, हमने जो आपको इंजिस दिखाया था वो इंजिस हमने यहाँ पे लगा दिया है, दरवाज़ा पूरा फिट कर दिया है, और बीच में जो है 12 mm का इंजिस लगाया है और साइड साइड में 18 mm का इंजिस लगाया है इसके लिए। तो मित्रों, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि अभी ये साइड से दरवाज़ा जो है ऊपर नीचे हो रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी हम इसको काट के पट्टी मारेंगे, और पट्टी मार के पूरा फिनिश ग्रुप वगैरह बनाएंगे। फिर आप देखिए, फिर भी मैं आपको उसके बाद भी आपको दिखाऊंगा। और वो देखिए, जहाँ पे हमने ये बनाया है, ये 18 mm का इंजिस है, और ये जो है पूरा धार ढक लिया है उसने, 18 mm का जो इंजिस लगाया है ना, मैं आपको वही दिखा रहा था, इससे पूरा वो धार जो है वो ढक गया है। तो ये 18 mm का इंजिस का ये खासियत रहता है, यहाँ से जो है पूरा इंजिस जो उसको ढक जाता है, और 12 mm का इंजिस जो है इसके अंदर लगा है। तो इसके अंदर जो लगाया है, तो आप देखिए वहाँ पर दो दोरी का ग्रुप है, दो दोरी का ग्रुप रहता है यहाँ की, ताकि दरवाज़ा खुले, आपको थोड़ा दिख रहा होगा ग्रुप, ये ग्रुप जो है उसके लिए दरवाज़ा जो है वो खुलता है।
और बाकी का जो 6 mm का इंजिस है मैं आपको इधर जीने के नीचे लगा के दिखाऊंगा, उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। और ये यहाँ के लिए इतना ही, बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा एक फेसबुक पे पेज है चौहान फर्नीचर के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत और गुड नाइट।